सियासत में गुरु कहावत आम है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है ना वो कभी दिखता ही नहीं। 100% साहब, नेताओं के शब्दों और बातों के भी अपने सियासी मायने होते हैं। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ही देखिए। अपने कई पड़ाव पूर्ण करती हुई देश के दिल यानी कि मध्य प्रदेश की धरती पर है। यात्रा के साथ डर और नफरत जैसे शब्द खूब गूंज रहे हैं। लाजमी है क्योंकि इस यात्रा की नींव नफरत और डर को खत्म करने पर ही डाली गई है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। लेकिन भैया, किसकी किससे नफरत और किसको किससे डर? सियासी हलकों में उठती यात्रा और यात्रा के पीछे का मूल मकसद की चर्चा अब आम जनता के बीच है। जाप सियासी पंडितों की भैया माने तो भारत की सेकुलर राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा से मोहब्बत, नफरत और डर की नई राजनीतिक भाषा का उदय हुआ है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करने से जाप भयभीत हो गई, लेकिन मोहब्बत, नफरत और डर शब्दों का राजनीतिक भाषणों में उपयोग कर मुस्लिम समर्थन का संदेश देने की कोशिश लगातार जारी है। गुरु, भारत की राजनीति में आज एक ऐसा दौर आ गया जब डर और नफरत शब्द का राजनीति को उपयोग मुस्लिम समर्थन के रूप में देखा जाता है। याद है ना, इसके पहले भी सेकुलर शब्द को इसी तरीके से राजनीतिक मान्यता मिल चुकी है। आज जो भी राजनेता अपने राजनीतिक संदेशों में इस तरीके के शब्दों का उपयोग करता है ना, उसको मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़कर ही देखा जाता है। खैर साहब, सियासी हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए छटपटासी रही है। ऐसे में डर और नफरत के शब्दों पर सवार होकर चुनावी वातावरणी पार करने की जुगत बहुत संभव है। लेकिन बाबा, वक्त और अनुभव बहुत कुछ समझा गया और ऐसे में ताली और भीड़ अपनी जगह, लेकिन भैया समर्थन में कितना तब्दील होती है, उफ, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।